अस्सलाम वालेकुम के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेप्ट बी बराबर है बी इंटरसेप्ट ए के। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए यूनियन बी, जी स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी ऑल द एलिमेंट सेट ए इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट इन बी। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी सेट्स लिविंग फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच एग्जिस्ट इन सेट ए। ठीक है, जो हमारे पास दोनों में सेट्स मौजूद होंगे उन सबको जो है आपने ले लेना है। और इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पास यही है, पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, आपको कर दिखाते हैं। पहला वाला ले लेते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमने प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमारे पास ये ए यूनियन बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ए यूनियन बी, ए का सेट क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5 देखें याद दिया है, और यूनियन बी का सेट है 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप इन दोनों में आपने सारे सेट्स लिख देने हैं लाइन से, 1, 2, 3, 4, 5 डबल नहीं लिखते हैं। जैसे 3 और 5 दोनों में था तो आपने डबल नहीं लिखना, सिर्फ सिंगल सिंगल टाइम एक ही टाइम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिविंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच एग्जिस्ट इन सेट ए। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमारे पास बी यूनियन ए है, तो आप पहले बी का सेट लिखिए। बी का हमारे पास है 3, 5, 7 एंड 9। यूनियन बी ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ भी आपने सारे सेट इसी तरीके से लिख देने हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है 7 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ दैट बोथ आर इक्वल, हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वेरीफाई। ठीक है, बाज दफा ऐसा भी आता है एग्जाम्स में, और इस तरह लिखकर भी आ सकता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसी का उलट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने यूनियन किया। अब हमारे पास देखें, सेकंड है ए इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेप्ट ए। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला किया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हम कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यहां लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अब हमारे पास ए का सेट क्या है, 1, 2, 3 दोनों के सेट्स हमारे सेम हैं जो गिवन है, 3, 4 एंड 5। इंटरसेप्ट बी के सेट्स हैं हमारे पास 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें इन दोनों के अंदर इंटरसेप्ट का मीन वही है कि कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स जो दोनों के अंदर मौजूद हों। अब आप बताएं हमारे पास दोनों में कौन सा ऐसा सेट है जो दोनों में मौजूद है, 1 नहीं है 2 नहीं है ओनली 3 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 3, 5 है हमारे पास, और ये भी हम कर लेते हैं बी यूनियन ए। बी का सेट है 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट ए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखें अब हमारे पास इन दोनों में कौन से सेट्स हैं जो हमारे पास जो है वो सेम है, 3 एंड 5 कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, हेंस प्रूफ दैट ए इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेप्ट ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस ए इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेप्ट ए। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जब तक के लिए एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।